खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ द्वारा रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा गया। पहले विवेकानंद पार्क में एकत्र होकर चर्चा की गई, उसके बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देते समय बताया कि उनकी मांगे हैं, जिनमें आउटसोर्सिंग प्रथा बंद करने से लेकर विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति, पदोन्नति के आरक्षण, जिन उद्योगों में शासन द्वारा सब्सिडी दी जा रही है उनमें आरक्षण, अधिनियम 1994 लागू करने जैसी अन्य मांगे शामिल है। आइए सुनाते हैं आयोजित रैली पदाधिकारियों का क्या कहना है। ज्ञापन में हमारी 24 सूत्री मांगे हैं, उसमें सर्व प्रमुख हमारी मांग है पुरानी पेंशन व्यवस्था पूर्व की भांति लागू की जाए, जैसे पूर्व में क्रियान्वयन था उसका क्रियान्वयन किया जाए, और पदोन्नति में आरक्षण जो अभी आप लोगों ने देखा, आप लोगों के माध्यम से हम पदोन्नति में आरक्षण की मांग करते हैं, क्योंकि पदोन्नति में आरक्षण के विवाद के कारण सभी कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। जो लोग भी इसके दायरे में आ रहे हैं उसमें सामान्य वर्ग ST ST OBC सभी लोगों का भविष्य खराब हो रहा है, तो आप लोगों के माध्यम से हम पदोन्नति में आरक्षण की भी मांग करते हैं। और कोरोना काल में जो छात्रवृत्ति हमारे छात्रों को नहीं मिली है, वो हम छात्रवृत्ति की भी अभी भी नहीं मिल रही है, और उस छात्रवृत्ति से हमारे समस्त प्रकार के छात्र परेशान हैं, चाहे उसमें ST ST OBC सामान्य वर्ग और छात्रावासी छात्र सारे लोग उसमें से परेशान हैं। आउटसोर्स प्रथा बंद की जाए, हमारी ये मांग है कि सबसे प्रमुख है कि आउटसोर्स प्रथा से सीधे आरक्षण पर कुठाराघात हो रहा है। आउटसोर्स प्रथा बंद हो जाएगी तो जो हमारे पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति और वंचित महिला, ये सारे समूह हैं, उनको पूर्व की भांति इसका लाभ मिलेगा। और सफाई कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो व्यापक स्तर पर आउटसोर्स किए जा रहे हैं और ठेके पर दिए जा रहे हैं, वो निचले तबके के जो हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सफाई हैं उनको नियमित किया जाए। जिनके नाम सौंपा गया ज्ञापन, ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है 24 सूत्री मांगों को लेकर। मेरा नाम जितेश रावत है। जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स जिला इकाई रीवा के तत्वाधान में इनके द्वारा अजाक्स की 24 सूत्री मांगे प्रस्तुत की गई हैं, और इन 24 सूत्री मांगों का ज्ञापन हमें प्राप्त हुआ है। इनके द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन हम मिलते हैं कलेक्टर महोदय के माध्यम से शासन। ठीक।